नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। कंप्यूटर जीके मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग 11 टेस्ट आपके पहले ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 12वां टेस्ट है। याद रखिए, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा है डिटेल के साथ, तो हम लोगों ने आपका कवर किया हुआ है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पूरा। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें जाकर देख लें। इतना याद रखिए, अगर आप लोग उन चैप्टरों को प्लस जो हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं इन्हें कवर कर लेते हैं, तो आप सभी एग्जामों में क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग 12वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। एक में क्या होगा, डी। दूसरा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है, ईमेल एड्रेस का। अगर आपके पास दूसरे की ईमेल है सामने वाले की, तभी तो आप लोग एसएमएस भेज सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईमेल है, आप उसके ईमेल पर एसएमएस भेज सकते हैं। तो दूसरे में भी आपका डी होगा। ठीक है, तीसरा, अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं जंक ईमेल। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम में। ठीक है, तो अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं, जंक ईमेल। तीसरे में आपका क्या होगा, ई। क्वेश्चन चार, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से आपका किसी को पत्र लिखने जैसा है। चार में आपका ए। पांच क्या है, पांच, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है, वह है पासवर्ड। वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है आपका पासवर्ड होता है। ठीक है, पासवर्ड आपको तभी डालते हैं ना आपकी सिक्योरिटी रखने के लिए, कि आपके जो भी डाटा है उस पर दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। छठवां क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, पहला आपका यूजर नेम और दूसरा आपका दूसरे भाग से एट द रेट के द्वारा अलग रहता है, तो इसमें दूसरा भाग होता है क्या होता है, डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, पहला भाग आपका यूजर होता है, यूजर नेम होता है, जैसे आप ले लीजिए कंप्यूटर एट द रेट डॉट जी मेल डॉट, क्या है, कंप्यूटर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। तो कंप्यूटर क्या हो गया आपका, यूजर नेम, और एट द रेट के बाद जो है आपका जी मेल डॉट कॉम, ये आपका डोमेन नेम हो गया। ठीक, तो इसमें डी है छठवे में। सातवां, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है टीसीपी या फिर आईपी। सात में आपका ए। आठ, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं, जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर पेज खोलते हैं तो उसे जो सामने में प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं, होम पेज। आठ में आपका सी। नौ, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है, जो कि
वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है, तो ये आपकी HTTP। नौ में क्या होगा आपका C, नौ में C। दस, नौ में आपका सी है, ठीक है। दस, गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट हैं, सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, मतलब इस पर आप जाकर अपनी जो भी इनपुट डालना होता है डाल सकते हैं और इनसे हमें आउटपुट मिल सकता है, यानी कि हम अपने क्वेश्चंस सर्च कर सकते हैं इन पर, ठीक है, जो आपकी जानकारी। 11, वेबसाइट एड्रेस का एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को पहचानने के काम में आता है, लिंक को। 11 में आपका ए। 12, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम युक्त प्रयुक्त होता है? .edu, .edu। 12 में आपका डी। 13, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करना तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की विक्रिया को कहते हैं। 13 में आपका सी होगा, मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन। 13 में क्या होगा? सी। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को आपका मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। 13 में आपका सी। 14, वेब ब्राउजर में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है या कार्य किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। 14 में आपका डी होगा। 15, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है मॉडम। 15 में आपका डी होगा। 16, वायरलेस फिडेलिटी। 16 में आपका बी। याद रखिए जो भी इस तरह की शॉर्ट फॉर्म है उनके पूरे नाम हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक अलग से आपका चैप्टर पूरा इसी पर आधारित कवर किया हुआ है। तो ये भी आपका कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी सूची है प्लेलिस्ट उसी में डला हुआ है, ठीक है। तो 16 में भी आपका बी होगा। 17, यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? ईमेल एड्रेस। 17 में आपका डी। 18, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं, वेब होस्टिंग। 18 में आपका डी होगा। 19, इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यह है क्या है? वेब मेल इंटरनेट। 19 में आपका बी है।
अगला है हमारा क्वेश्चन 20, URL क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस, वर्ल्ड वेब पेज, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, www, 20 में आपका डी। इक्कीस क्वेश्चन, क्या 21 क्वेश्चन है हमारा, कोएक्सिल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता है, केबल मॉडम, 21 में आपका डी। 22, इस तकनीक के माध्यम से विद्युतीय संकेतों के रूप से डेटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है, वो यह है क्या है? फाइबर ऑप्टिक। 22 में क्या होगा आपका डी, 22 में आपका डी। 23 क्या है, सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज खुलकर आता है इसे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह है हिट। 23 में क्या होगा आपका बी, 24 हॉटमेल मेल सेवा किस कंपनी द्वारा वर्तमान में संचालित किया जा रहा है, तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। 24 में आपका सी है। 25, निम्न में से यह इंटरनेट पर व्यवस्थित संचार का माध्यम नहीं है, निम्न में से यह इंटरनेट पर व्यवस्थित संचार का माध्यम नहीं है, चैट आपका है, इंस्टेंट मैसेजिंग भी है, इसमें होगा 25 में आपका सी, इन स्टा सॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसका इंटरनेट पर व्यक्ति के संचार का माध्यम है, लेकिन सी होगा इसमें, 25 में आपका सी। 26, यह प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क्स पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है, 26 BOIP क्या है, 26 में BOIP। 27, यदि प्रेषक भेजे जाने वाले ईमेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहे तो वह निम्न में से प्रयोग करेगा, रिच टेक्स्ट, 27 में आपका ए। चलिए क्वेश्चन है हमारा 28, यह वेब ब्राउजर टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है, 28 में आपका बी। 29, FTP का पूर्ण रूप है, FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 29 में आपका डी होगा। 30, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को कहते हैं ई-कॉमर्स, क्या कहते हैं, ई-कॉमर्स, ई ऑप्शन सही होगा इसमें, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं की लेन देन की प्रक्रिया को ई-कॉमर्स कहते हैं। 31,
इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंडहेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है। WAP क्या होगा? D आपका सही होगा, 31 में। 32, निम्नलिखित में से URL में किस पैरामीटर का होना आवश्यक है? इसमें आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www, वर्ल्ड वाइड वेब और अद्वितीय डोमेन नेम, ई ऑप्शन इसमें सही है आपका। क्वेश्चन है हमारा 33, इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना है, ई रिजर्वेशन। 33 में क्या होगा आपका? डी। 34, एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, तो 34 में आपका ए होगा। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारियां संग्रहित करता है, 34 में आपका ए। फिर आपका 35 क्या है? टेलनेट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट 35 में आपका बी होगा। 36, इंटरनेट को बनाया गया 1950 के दशक में, 36 में आपका ए। 37, अधिकतर वेब पेज इस भाषा को आधार बनाकर ही निर्मित किए जाते हैं। HTML को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी ऑप्शन 37 में आपका सही है। 38, एक बार आप लोग उस फुल फॉर्म वाले जो भी आपके शॉर्टकट हैं, शॉर्टकट फॉर्म फुल फॉर्म, उसे जाकर देख लें, क्योंकि वो हमारे दैनिकचर्या में भी, दैनिक उपयोग में कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका फुल फॉर्म हमें पता नहीं होता है, हम हड़बड़ा जाते हैं, तो वहाँ जाकर एक बार देख लें, ठीक है। 38, निम्न में से कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है? 38 इसमें होगा .com। 38 में क्या होगा आपका? ए। 39, वर्तमान में भारत में नंबर एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक जो है, इसके खोजकर्ता थे। फेसबुक के खोजकर्ता कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। 39 में आपका ए। 39 में क्या है? ए। 40, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब। 40 में आपका ए होगा। 40 में क्या होगा? ए सही। फिर आपका 41 क्या है? हॉटमेल ईमेल सेवा को ने बनाया, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया, तो 41 में आपका सबीर भाटिया ने बनाया था। किसने? सबीर भाटिया ने, और इसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, तो 41 में आपका ए है। 42, यदि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए प्रयुक्त होता है तो एम कॉमर्स है। मोबाइल कॉमर्स। 42 में आपका सी। 43, HTML में टैक्स जिसमें कीवर्ड होते हैं से ग्रे होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स से, इस तरह से। 43 में आपका बी। 44,
इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है। बाय इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में, पी टू पी प्रोटोकॉल में, 44 में आपका सी, 45 इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को कहते हैं यूएसईनेट, यूजनेट। 45 में आपका ई सही है। 46 मोबाइल कॉमर्स का अच्छा विवरण है, मोबाइल कॉमर्स का अच्छा विवरण है वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसों द्वारा सामान सेवाओं की खरीदारी या बिक्री करना। 46 में आपका सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 7 यानी कि 47 प्रत्येक आईपी पैकेट में होता है, स्रोत और गंतव्य एड्रेस दोनों। 47 में आपका डी। 48 किसी भी डोमेन नेम के अंतर्गत अंतिम तीन अक्षर दर्शाते हैं, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम तीन अक्षर दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। 48 में आपका ए होगा। तो चलिए ये था आपका 12वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 13वें टेस्ट के बारे में जानेंगे।